मसीह में आप सबको सलाम। आइए हम मत्ती में से खुदा की खूबसूरत आयत पढ़ेंगे। उसका 11वां बाब और उसकी 27 आयत। ऐ मेहनत उठाने वाले और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फुरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि खुदा ने मुसीह ने इस आयत में कहा कि यह बोझ के थके हुए और मेहनत उठाने वाले लोगों मेरे पास आओ। आज जो लोग थके हुए हैं, जो ये चीज नहीं सोच रहे कि हमारा दिमाग किस तरह काम आएगा, तो जब वो अपने आप को खुदा उनकी हजूरी में दे देंगे तो खुदावन उनके दिमागों को, उनके जेनों को खोल देगा। क्योंकि खुदावन ही हमें आराम दे सकता है और कोई हमें आराम नहीं दे सकता। खुदावन की हजूरी में जो झुकता है, क्योंकि वही हलीम है, वही फरोतन है और वही हमारे जानों की रखवाली करता है। ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। हम अपना सारा बोझ उन पर लाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे बोझ की खातिर अपनी जान दी, हमारी निजात की खातिर उन्होंने अपनी जान दी। उसके जैसा ना कोई था, न कोई है और ना ही कोई आने वाला। लोग उस पर ईमान रखें, क्योंकि वो ही हमको बचाने वाला है। और वही हमारा सच्चा पिता, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, वही हमारा सब कुछ है। और जो उसको अपना लेता है, उसको दुनिया की सारी चीजें मिल जाती हैं। अब जो मुश्किल हालात आने वाले हैं, उनमें भी वो हमें कायम दायम रखे। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तौबा करनी चाहिए, ताकि खुदावन के जुर्म में झुके, खुदावन को इस सच्चे निजात दीदा कबूल करें। और अपना जितना भी बोझ है, अगर आप परेशान हैं, थके हुए हैं, सोच रहे हैं कि हम ये करें, हम वो करें, और अगर आपने कोई गुनाह को अपना साथी बना लिया, तो खुदा की हजूरी में खोल दीजिए, ताकि वो आपको माफ करे। वही आपको माफ कर सकते हैं, वो आपका सारा बोझ ले लेगा। उसने हमारी खातिर जान दी, हमारा सारा बोझ वो ला देगा, उतार देगा, और उसी से हमें आराम मिलेगा। क्योंकि इसका जो बहुत ही मना है, वो बहुत ही अच्छा है और हमसे प्यार करने का। हम उसकी खून खरीदे हुए लोग हैं, तो हमें अपने खुदावन का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमारा सच्चा खुदा है और जिंदा खुदा है। उसने मौत पे फतह पाई, आज भी इसकी कब्र खाली है। हालेलुया, तो सब कहें हालेलुया।